तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ यू कैन बिल्ड योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके आप एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार चौबे, मैं हूँ एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड अ कॉन्टेंट क्रिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम किसी भी थॉट को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को अपने शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के या किसी के सामने व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन इट कम्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन वी कम्युनिकेट विद आर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड द वे वी स्पीक इज कॉल्ड non-verbal communication. And if you want to improve your communication skills, non-verbal communication plays a vital role in our communication. And if you want to improve your non-verbal communication, you have to focus on कि अगला व्यक्ति कैसे बात कर रहा है। You just have to observe कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, उनका way of talking क्या है, उनकी facial expression, hand gesture, उनका body language, उनका voice modulation कैसा है। And try to copy. If you feel that is appealing to you, just try to copy, just try to learn how that person is speaking. And if you do the same, you will feel you are improving in your communication skills. My second point is look for incongruent behaviors. आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप बहुत उदास हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो उस दैट मोमेंट में। एट द सेम मोमेंट कोई व्यक्ति आपके पास आता है, पूछता है कैसे हो भाई, क्या चल रहा है लाइफ में, और आप जवाब देते हो अच्छा चल रहा है यार, बहुत अच्छा हूँ मैं, सब चीज़ अच्छे चल रहे हैं। At that moment, you are feeling worse, but still you are saying you are doing good, you are feeling happy. And that's where you have to focus on the congruent behaviors. अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो शब्द बोल रहा है और उसकी body language के शब्दों से match नहीं होती है, where we need to focus more. जब भी व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज और शब्द मैच नहीं करते हैं, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन देयर थॉट्स, देयर इमोशन, देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर फीलिंग्स, एंड एट द एंड यू विल रियलाइज दैट पर्सन विल फील यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड दैट पर्सन रियली वेल, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ ग्रेटर बॉन्ड एंड यू आर बिकमिंग अ इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर। माय थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन योर टोन ऑफ योर वॉइस। आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका वॉइस कैसा है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, क्या आप तेज बात कर रहे हैं, क्या आप धीरे बात कर रहे हैं, क्या आपकी टोन मीडियम है। माय डियर फ्रेंड्स, योर टोनैलिटी विल डिसाइड द मीनिंग ऑफ योर वर्ड। कभी कभी आपके शब्द के टोन आपके अर्थ को अनर्थ में बदल देते हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन हाउ यू आर स्पीकिंग, आपका टोन कैसा है। मेरे टोन में वो ताकत है ना कि किसी भी शब्द को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को एक इंथुजियास्टिक बना सकता है, या उसको बहुत हैप्पी मोमेंट में क्रिएट कर सकता है, उसको सैड बना सकता है, उसको बहुत ज़्यादा खुश बना सकता है, या उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग बना सकता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर टोनैलिटी। एंड दूसरी चीज़, योर टोनैलिटी गिव्स मीनिंग टू योर वर्ड। जैसे मान लेते हैं कि आपका दोस्त आपको बताता है कि उसकी जॉब लग गई, और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो खुश हूँ यार, तुम्हें तुम्हारी जॉब लग गई, बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश लग रहे हो? नो राइट। अगले को लगेगा कि यार यू आर जेलस ऑफ दैट पर्सन, आप उससे जल रहे हो, आप खुश नहीं हो। बट इफ यू आर सेइंग आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी मैन, दैट मीन्स यू आर रियली हैप्पी, क्योंकि आप शो कर रहे हो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बॉडी के माध्यम से, एंड योर बॉडी एंड योर वर्ड्स आर मैचिंग, दैट्स हाउ यू विन द गेम। माय फोर्थ पॉइंट इज आस्किंग क्वेश्चन। यू कैन यूज दिस मैथड इन टू सिनेरियोज। फर्स्ट, टू बिल्ड दैट इंटरेस्ट, टू शोकेस योर इंटरेस्ट। जैसे कोई व्यक्ति कहीं का अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू आस्क वाह तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, ओके सो तुमने ट्रेन में क्या क्या किया, अच्छा ये भी था, ओके तो इस चीज़ को तुमने परचेज करने के बाद क्या किया, और क्या क्या तुम वहाँ से लाए, और तुमने क्या क्या एडवेंचर किया, और कौन कौन से सीन तुमने देखे, वाह मजा आया यार। So if you ask this question, that person will feel connected with you, and you just have to show only interest, you just have to ask question, and that builds the bond between you and that person. So this is how you have to ask questions. And second thing what you have to do is, जब आपको उस बात करने का context समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, at that moment आपको पूछना है that
आपके कहने का मतलब ये है, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या ये आप करना चाहते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए आपके हिसाब से? दिस इज हाउ यू जस्ट हैव टू बिल्ड द कनेक्शन बाय आस्किंग द क्वेश्चन। माय फिफ्थ पॉइंट इज ऑलवेज कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्या संदर्भ है उस बात करने का? अक्सर आपने देखा होगा कि हम बात कुछ और कर रहे होते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति होता है वो कुछ और ही बात कर रहा होता है, कुछ और ही समझ गया होता है, तो एट दैट मोमेंट वो उस कॉन्वर्सेशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है या लोग उसे अनइफेक्टिव मानना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर स्पीकिंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। नेवर स्पीक बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, ये बात क्या हो रही है, क्या चल रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ और मैं जो बोलने वाला हूँ क्या उससे वो इंटर रिलेटेड है। If yes, then start speaking. दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति के साथ एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात होता है। जिस तरीके से आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो, you can't talk to your parent. अगर आप जिस तरीके से पेरेंट्स से अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, you can't talk to your boss. So always understand the context and the scenario and the environment where you are speaking, then start speaking. आप अपने दोस्त से ऐसे नहीं बात कर सकते हो, हेलो मिस्टर रवि कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, You can't talk like that. और आप अपने बॉस से, hey boss, how are you? You can't talk like that. So आपको उस context के हिसाब से, उस environment के हिसाब से, you just have to adjust yourself and start speaking. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा help करेगी अपने non-verbal communication को improve करने में. So thank you so much for watching this. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.